नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम को शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर मेजबान ऑस्ट्रेलिया के हाथों 66 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। अब भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज में बने रहने के लिए रविवार को दूसरा मैच जीतना बेहद जरूरी है। करो या मरो के मैच में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 को बहुत सोच समझ कर चुनना होगा। पहले वनडे मैच में विराट कोहली 21 रन बनाकर आउट हो गए थे, मगर टीम इंडिया को सीरीज में बने रहना है और दूसरा वनडे मैच जीतना है तो कोहली के बल्ले से रन निकलना बेहद जरूरी है। मार्कस स्टोइनिस का चोटिल होना भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए राहत की खबर है। स्टोइनिस गेंद के साथ साथ बड़े शॉट्स लगाने के लिए भी जाने जाते हैं। स्टोइनिस की जगह कैमरून ग्रीन और मोसेस हेनरिक्स रविवार को SCG में होने वाले दूसरे वनडे के लिए दौड़ में शामिल हो सकते हैं। वेदर रिपोर्ट। रविवार को दूसरा वनडे मैच में तापमान अधिकतम 38 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शाम के समय बारिश मैच में कुछ वक्त के लिए रुकावट बन सकती है। शुरुआत में गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं होगी, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर सकती है। मैच प्रेडिक्शन। हमारा मैच प्रेडिक्शन मीटर कहता है कि दूसरा मुकाबला कड़ा और कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। मैच के क्लोज रहने की पूरी संभावना है। भारत की संभावित प्लेइंग 11। शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, विराट कोहली कप्तान, श्रेयस अय्यर, KL राहुल विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह और नवदीप सैनी। ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11। एरन फिंच कप्तान, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, एलेक्स केरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा और जोस हेजलवुड। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत सकती है? आपका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।